आप अपना 10 दिन वीडियोस देखिए, तसल्ली समझिए, उसके बाद आगे फैसला लीजिए। नुकसान नहीं होगा स्क्रैप के इस धंधे में, ये मेरी गारंटी है। पिछली काफी वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से स्टार्टअप करना है, कैसे स्टार्टिंग करना है। लगातार मैंने 3 से 4 वीडियो आपको सिर्फ स्टार्टअप के लिए दिए। तो आज स्टार्टअप के इन चीजों से आप तो एक चीज समझ ही गए होंगे कि मटेरियल अब कैसे परचेज करना है, रिकवरी कैसे समझनी है, ये सब चीजें आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करूंगा मटेरियल की लेबर कॉस्ट। सबसे जो इम्पोर्टेंट एक रिकवरी के बाद का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो होती है लेबर कॉस्ट। अब हमने कोई माल परचेज करा, अब हमें ये नहीं पता लग पाता है इसमें हमें लेबर कॉस्ट कितना जोड़ना है। मटेरियल तो हम ला रहे हैं, इसमें हमारी लेबर कितनी लग जाएगी, या हमें इसे अगर हमें लेबर कॉस्ट पे निकलवाना है तो क्या इसका प्राइस होना चाहिए, तो इस बारे में आपसे आज बात करूंगा मैं आपका दोस्त रिजवान सेफी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और मेटल प्राइस से रिलेटेड हमारी इसी चैनल पर वीडियो डलती हैं, आप हर रोज वहां पर भी कॉपर प्राइस वगैरह अपडेट देख सकते हैं। तो जिस टॉपिक की मैं आज बात कर रहा हूं कि हम कॉस्टिंग कैसे निकालें। मान लीजिए हमने घर की फिटिंग उठा ली, अब ये कंफ्यूजन होती है यार इसके अंदर जो है लेबर कॉस्ट कैसे निकाली जाए, या इसमें हमारा खर्चा कितना जाएगा, मशीन का खर्चा, लेबर का खर्चा, बिजली का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो ये सब जो खर्चे हैं इसकी कॉस्ट कैसे निकले। या मान लीजिए हमने गाड़ी का माल उठा लिया, ये गाड़ी का माल ले आए और इसकी फिर हम लेबर कॉस्ट कैसे निकाले, या हमने ये ट्यूबकोर का इस तरीके का मटेरियल परचेज कर लिया, इसकी लेबर कॉस्ट कैसे निकालें, या हमने ये हैवी लाइन का मटेरियल परचेज कर लिया, ये एनाकोंडा टाइप के वायरिंग होती है, इसकी ये लेबर कॉस्ट कैसे निकालनी। तो ये सब चीज़ें जो लेबर कॉस्ट है, जिस तरीके से रिकवरी स्क्रैप लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से एक लेबर कॉस्ट निकालना कि हमारी इस मटेरियल में हमें काम करते वक्त कितनी लेबर हमारी लग जाएगी, मशीन का खर्चा हमारा कितना आ जाएगा, बिजली का खर्चा हमारा कितना आ जाएगा, ये सब हमारी कैलकुलेशन में होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में जीत सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीजों में वन बाय वन आपको एक वायरिंग के बारे में बताऊंगा, इनकी कैटेगरी बताऊंगा, किसके अंदर कितनी लेबर कॉस्ट जोड़ के चलना है और क्यों जोड़ के चलना। ऑप्शन ये भी होना चाहिए कि भाई इसमें घर की फिटिंग में मान लो हमने एग्जाम्पल एक 30 रुपए जोड़ लियो, तो यार इस वाली वायरिंग में हमारा 10 रुपए क्यों हो, या इसके अंदर 10 है तो उसमें हमारा 30 रुपए क्यों है। तो इस चीज के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, वन बाय वन आपको बताता रहूंगा। आप पूरी वीडियो देखिए, तसल्ली से चीजों को समझिए। आधी अधूरी वीडियो देख करके आप आधा अधूरा समझते हैं और फिर बिजनेस में घुसने की कोशिश करते हैं। आप अपना 10 दिन वीडियोस देखिए, तसल्ली समझिए, उसके बाद आगे फैसला लीजिए। नुकसान नहीं होगा स्क्रैप के इस धंधे में, ये मेरी गारंटी है। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल स्पष्ट क्लियर वाली चीज, जैसे ये गाड़ी की वायरिंग हो गई, इस तरह की कार्स है, बाइक्स है, मोटरसाइकिल्स है, इस तरह की चीजों से ये वायरिंग निकलती है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं उनके अंदर से इस तरह की ये वायरिंग निकलती है। इस वायरिंग की जो लेबर कॉस्ट है, हम लोग, मैं इसकी जो लेबर कॉस्ट लेकर के चलता हूँ वो 80 रुपये के जी, मिनिमम 50 रुपये, मैक्सिमम 80 रुपये लेबर कॉस्ट पकड़ के चलता हूँ। अब मैं आपको हाथों हाथ ये भी बताऊंगा कि इतनी मैं कॉस्ट क्यों लेके चलता हूँ। जिस तरह ये आप वायरिंग देख रहे हैं, पूरा अलझेड़ा है, पूरा जाल बना हुआ है इसके अंदर वायरिंग का, तो इसके अंदर लेबर कॉस्ट इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हमने इसके कपलर काटिंग करने हैं, मेल फीमेल कटिंग करने हैं, फ्यूज बॉक्स कटिंग करने हैं, जो ऊपर प्लास्टिक जितना भी लगा हुआ ये सारा का सारा हमें प्लास्टिक कटिंग करना है, इसको कटिंग करने में लेबर लग जाती है। अब एक इसको क्लियर करने में, साफ करने में लेबर लग गई। अब दूसरा आ जाता है इसकी स्ट्रिप करना, इसको अगर हम गलेंडर से करते हैं तो वैसी कॉपर का रेट डाउन हो जाता है, और अगर हम इसको मशीन से निकालते हैं तो प्रोडक्शन नहीं निकलता। और मेरा वो मिजाज नहीं है कि मैं अपनी मशीनों में बोलूं नहीं जी आप इसको 200 किलो 300 किलो निकाल सकते हो, जैसे और लोग काफी झूठ बोलते हैं कि भाई हमारे से मशीन लो और उसके अंदर इतनी प्रोडक्शन आ जाएगी, कभी नहीं आती। इसका साइज जो चलता है गाड़ी के अंदर 0.3 से लेकर के हाईएस्ट जो गाड़ी की वायरिंग में होती है वो 2.5 mm की लीड होती है। ट्रक बस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 4.5 mm की लीड आ जाती है। एक दो लीड आएंगी मोटी जो बैटरों के टर्मिनल होते हैं, उनको गिनती में लेके नहीं चलना है। हमारा मैक्सिमम जो साइज है वो मेन लाइन में 1, 2, 2.5, 3 mm का वायर होता है, बाकी अपना जो साइज चलता है वो 0.3 से लेकर के 1 mm की वायर इसके अंदर निकलती है, इससे ज्यादा नहीं होता। लो वेट मटेरियल हो गया, इसके अंदर वेट नहीं है अपना, तो इसको जब हम स्ट्रिप करते हैं इस तरीके से तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। मतलब कुल मिला के इस तरह की अगर क्लियर वायरिंग भी होगी, हम सारे दिन में कितनी भी कोशिश कर लें 50-60 kg से ऊपर नहीं निकाल सकते, कितना भी परफेक्ट बंदा हो। इसका हाईएस्ट एवरेज है 50 से 60 kg, इतना माल निकलता है। अब 50-60 kg अगर हम पर डे का माल निकाले और हम 10 रुपए की लेबर कॉस्ट जोड़ के चले तो ये तो अपनी लेबर भी नहीं निकली,
इसीलिए इसकी लेबर कॉस्ट 50 से 80 रुपए के बीच में मैं लेके चलता हूं। तो गाड़ी की वायरिंग अब हमारी क्लियर हो गई, क्यों हमारी 50 से 60 70 80 रुपए होना चाहिए और क्या कारण होना चाहिए, ये हमारी लेबर कॉस्ट है सिर्फ गाड़ियों के लिए। इसमें बाइक कार बस वगैरह हो गई। अब ये कैटेगरी एक पूरी की पूरी गाड़ी की जो कैटेगरी है वो हमारा घटा देते हैं, इसकी रिकवरी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात करते हैं घर की फिटिंग की बात। ये जो हमारे घरों में फिटिंग डली हुई होती है इस तरह की पंखे वगैरह के लिए, इसकी जो सिंगल कोर फिटिंग होती है, इसको कटिंग करने के लिए मशीन मिनिमम अगर 1 mm की वायर की बात करें तो 100 से 150 kg तक की, हाईएस्ट 150 kg खींच सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है, मिनिमम 60-70 kg रह जाता है। अब इसकी लेबर जो कॉस्ट है वो मैं 20 से 25 रुपए लेकर के चलता हूं, क्योंकि मेरे को 100 kg माल निकल रहा है तो मेरे को अगर मैं 10 रुपए kg के हिसाब से भी, मेरी अपनी मशीन है मैं फिर भी 10 रुपए kg के हिसाब से अगर इसकी कटिंग करना चाहता हूं तो भाई 1000 रुपए तो मेरे कम से कम होने चाहिए। 100 kg कटिंग कर रहा हूं, मशीन भी लगाया है, बिजली भी लगाया है, ट्रांसपोर्टेशन भी लगाया है, आया गया भी हूं। तो घर की जो फिटिंग है इस तरीके की जितनी भी है वो 1 mm हो या 4 mm हो या 6 mm हो, सबके ऊपर 20 से 25 रुपए पर केजी का लेबर कॉस्ट आने वाला है। नोट कर लीजिए कि 20 से 25 रुपए kg अपना लेबर कॉस्ट लेके चलेंगे हम लोग इसके अंदर। अब ये घर की फिटिंग जितनी भी हो गई थी ये क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है, इसकी रिकवरी से कोई कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी लेबर कॉस्ट बता रहा हूं। अब हम इसको भी अलग कर देते हैं साइड में। अब बात आ जाती है एल्युमिनियम के डिपार्टमेंट में। अब एल्युमिनियम का डिपार्टमेंट एक घर का भी हो सकता है, इस तरीके का 2 कोर का एल्युमिनियम हो गया जैसे, या अपनी फैक्ट्री वगैरह में 4 कोर ये हो गया एल्युमिनियम, ये इस तरीके का भी होता है जो बिजली विभाग यूज करता है, ये 70 mm में भी होता है, 120 mm में भी होता है, ये 30 mm में भी होता है, 40 mm में भी होता है, कुछ इस तरीके का ये एल्युमिनियम होता है। इन दोनों को भी हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, जो हमारा घरेलू आइटम हो गया जिसमें हमारा 2 कोर का इस तरीके का वायर हो सकता है, सिंगल कोर का ये वायर हो सकता है, इसकी लेबर कॉस्ट हम अलग लेके चलेंगे। इसकी जो लेबर कॉस्ट आपने लेकर के चलनी है वो लेके चलनी है कम से कम एल्युमिनियम में 15 से 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। हालांकि इसमें और कॉपर के काम में दोनों में लेबर कॉस्ट जमीन आसमान का अंतर हो जाता है कि यार हम घर की फिटिंग में 20 से 25 रुपए ले रहे हैं और 100 केजी माल निकाल रहे हैं, एल्युमिनियम 2 कोर में हम सिर्फ 15 रुपए लेके चल रहे हैं और माल भी वो 60-70 केजी से ज्यादा नहीं निकलता अगर 2 कोर की मैं बात करूं। लेकिन यहां लेबर कॉस्ट क्यों कम हो गई? यहां लेबर कॉस्ट भाई इसलिए कम हो गई क्योंकि ये मटेरियल लो कॉस्ट का है, इसको जब आपने खर्च किया या बेचा या खरीद के आप लाए इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा था। हमेशा से कहता आया हूं इन्वेस्टमेंट के ही अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है आपने 10,000 का इन्वेस्ट करा और आप 1,000 पर डे का कमाने लग गए, नहीं होगा। आप 1,00,000 का कमाई लगाएंगे तब आप 1,000 पर डे का कमाएंगे। कॉपर की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, एल्युमिनियम की नहीं होती। तो एल्युमिनियम इसीलिए इसके अंदर जो लेबर कॉस्ट जुड़ता है वो बहुत ना के बराबर जुड़ता है। तो 15 से 20 रुपए किलो का आप एल्युमिनियम 2 कोर में इस तरीके का लेबर कॉस्ट लेकर के चल सकते हैं, ये हाईएस्ट बता रहा हूं। मिनिमम आप जितना करेंगे अपना प्रॉफिट कम करेंगे जितने में आपका काम बन जाए। अब बात करते हैं इस तरीके के एल्युमिनियम की जो एनाकोंडा टाइप का हो गया, इस तरह का हैवी मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा वेट वाला मटेरियल होता है। इसको अगर आप मशीन के माध्यम से भी अगर करते हैं तो डेली आप 2-3 टन काम कर लेते हैं। अब यहां पर हम जो इसका जो लेबर कॉस्ट पकड़ के चलेंगे वो उसके लिए 10 रुपए। अब आप यार ये कहेंगे यहाँ 20 से 25 रुपए ले लिया और यहाँ 10 रुपए पी आ गए, यहां पर लो क्वांटिटी था यहाँ हाई क्वांटिटी हो गया। अब यहां पर जो कन्वर्ट हुआ है वो क्वांटिटी का गेम कन्वर्ट हो गया, यहाँ आप 50 से 60 किलो 70 किलो एल्युमिनियम निकाल रहे थे लेकिन जब आप यहां निकालते हैं तो यहां आपका 2-3 टन निकलता है। अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जब आप 2 कोर का एल्युमिनियम खरीदते हैं तो आप एक मिडिल क्लास के बंदे होते हैं और जब आप इस तरीके का एनाकोंडा वायर खरीदते हैं तो आप मिडिल क्लास नहीं होते हैं उस टाइम पर, क्योंकि हैवी लोड है, गवर्नमेंटेड लोड है और ये आपको अच्छे प्राइस में मिलने वाला है, इसमें अच्छा आपको प्राइस मिलने वाला है क्योंकि फिर आप मिडिल क्लास नहीं बचे। फिर एक आप बचे बड़े वेंडर हो, आप लाखों का माल खरीदने वाले बंदे हो और जो इस तरीके का जो छोटा लोड उठाते हैं, जो घरों की फिटिंग निकलती है, कचरा निकलते हैं, ये सिर्फ एक मिडिल क्लास बंदा उठाता है जिसने बेचारे ना रोज का खाना कमाना है, रोज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी करनी है। तो इस तरीके से हम लोग अपना लेबर कॉस्ट निकालते हैं कुछ इस तरीके के मटेरियल का। तो ये मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और अच्छा प्रॉफिट अर्न करिए। ये था कुछ थोड़े से टिप्स आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ साझा किए कि लेबर कॉस्ट हम किस तरीके से निकालते हैं। और भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे दिए नंबर से मेरे से बात कर सकते हैं, मेरी ब्रांच पुणे और हैदराबाद में है, आपको जो भी नियर बाई पड़े आप वहां जाकर के मीटिंग कर सकते हैं, आप जाकर के वहां फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात,
मशीनों के पीछे बिल्कुल ना भगे। जो सबसे पहले मशीनों के पीछे भगने वाले लोग हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझना, मार्केट के मटेरियल को समझना, मार्केट की रिकवरी को समझना, मार्केट की लेबर कॉस्ट को समझना, सेल आउट पॉइंट अच्छे से समझना, मार्केट का खेल समझना। तब आप ये चीजें समझने लगोगे, मशीन लो, बिजनेस शुरू करो और सीधे चढ़ते चले जाओ, नुकसान नहीं होगा। मटेरियल सबसे पहले कंफर्म कर लें, आप अपने यहां सर्च कर लें, उसके बाद ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं। और बाकी बहुत सारी मेरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में रिकवरी से रिलेटेड हर चीज आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो में फिर से लेकर आता हूं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।